हैप्पी थोड़ा थोड़ा हम होली, लोग कर लेते हैं हैप्पी होली। इधर हैप्पी आओ होली, इधर आओ, हैप्पी होली अमृता। एक सेकंड। ठीक है बस, हैप्पी होली, हैप्पी होली, मीठी हैप्पी होली, यही वाला कलर मिला आपको। इधर देख तो लो, देख आगे, चलो चल आगे, चलो घूमे घूमे, आए चूज करो, चूज चूज चूज, चलो ठीक है ये लो चूज, चलो हैप्पी होली। जो और टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो होली है ना, अभी तो भूत बनोगे उधर चल के, इसके मतलब क्या बकलूल कर ले, अभी रगड़ दूं अच्छे से ऊपर से नीचे तो क्या कर लोगे फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी होली। और अभी हम लोग जा रहे हैं होली खेलने। प्रिपरेशन में बता देती हूँ, जो भी मैंने रात में किया था वो सारा पैक कर लिया है। वहाँ जाएंगे सब फैमिली मेम्बर जितने भी है, वहाँ सब मिल करके खाएंगे। और ये है गुजिया, पूजा कर लिया है भगवान जी का। अलग से मैंने सुबह पुआ बनाया था क्योंकि रात वाला जो था वो मैंने टेस्ट कर लिया था तो वो जूठा हो गया था। ये है कलर और ये मैंने कुर्ता डाला हुआ है। जब मैंने अपना गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो बनाया था तब मैंने इसके नीचे प्लाजो पहना हुआ था, बट पकड़ रही हूँ पकड़ रही हूँ। अभी मीठी को शूज़ पहनाना है तो वो मैंने ये सोचा ना कि थोड़ा सा अगर जीन्स नीचे डाल लो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो इसीलिए मैंने नीचे जीन्स डाल लिया। मीठी का नया शूज़ कहाँ गया? मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं या तो मैं जीन्स डाल लेती और या फिर मीठी येलो शूज़ पहनो। वो तो डाल दिया, पहन लो। मैं कैसा उसको शूज पहनाओ ना, वो ब्लैक कलर का है। बट मुझे तो वही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एनीवे दो कुछ दे दो, कलर दे दो। मिठी कैसे बोलोगी? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी। मीठी बोलो, होली तो नहीं हैप्पी तो बोली लेगी। मीठी बोलो, मीठी अभी तो जाकर रोना धोना स्टार्ट करोगी तो मुझे पता है। हाय हाय, गाड़ी यस। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा वॉइस ओवर करने का कोई इरादा नहीं था, मैंने ब्लॉग ऐसे स्टार्ट किया था कि मैं वॉइस ओवर ना करूं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी ना कि जहां भी जाओ आज बहुत लाउड म्यूज़िक था। तो अभी तो हम लोग अपनी सोसाइटी में आए हैं, हमारी सोसाइटी जो है अलग अलग ब्लॉक्स में है, तो हर ब्लॉक में मतलब लोग जो है इकट्ठे होकर के अपना होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग दीदी के मतलब सेम सोसाइटी में ही रहते हैं तो दीदी के ब्लॉक में आए हुए हैं, तो यहाँ पर भी पूरा फुल लाउड म्यूज़िक था। तो यहाँ पर मैं कुछ भी बोलती तो वो फिर कॉपीराइट का इशू आ सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर ये मीठी जो है ना थोड़ा सा जो पानी वानी डाल दे रही थी ना, थोड़ा परेशान हो रही थी, तो मैं अभी इसको लेकर आ गई हूँ दीदी के मतलब घर के अंदर, थोड़ा सा पानी वानी पिला दी। बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो रो रही थी। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में अचानक सडन इतने लोगों को देख कर, इतना लाउड म्यूज़िक देख कर थोड़ा डर गई थी। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, तो स्टार्टिंग में तो मीठी ऐसे ही है। बट आप देखते चलो ब्लॉक के एंड तक, इसका बिल्कुल रूप ही चेंज होने वाला है। तो यहाँ अभी हम लोग सोसाइटी में ही खेल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ये परेशान हो रही है, कॉन्शियस से खड़ी रह रही है, तो मैं इसे पैम्पर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये खेले। और ये परेशान इसलिए हो रही थी ना क्योंकि थोड़े जो बच्चे थे वो आकर पिचकारी से थोड़ा इसके ऊपर पानी वानी डाल दे रहे थे, तो ये रोने लग रही थी। तो हमारी आज की होली की जो शुरुआत थी वो कुछ ऐसे हुई कि मुझे लगा था कि 12 एक बजे तक जाना है, जैसा कि लास्ट ईयर गए थे। तो मैं थोड़ा रिलैक्स ही थी घर में, धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन कर रही थी, बट सडन फ़ोन आया दीदी का कि आ जाओ यहीं पर, पहले यहाँ हम लोग खेल लेते हैं होली। तो जल्दी जल्दी मैंने रात में ही बना लिया था पुआ और वो सब मैंने पैक किया और उसके बाद हम लोग आ गए। और ये देखिए ये सेकंड लोकेशन, लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पर आए थे होली खेलने के लिए, तो ये है ग्राउंड जहाँ जय अक्सर आते हैं, हम लोग भी आते हैं यहाँ पर अक्सर। तो यहाँ ये जो बच्चे खेल रहे थे पानी के साथ में वो सब हॉस्टल के बच्चे थे, और ये रही मैं हूँ, रिंकी है, दीदी है, सब।
पूरी कलर, मैं तो मेकअप वेकअप करके आई थी जो कि ख़त्म हो गया तुरंत, तो 1 मिनट के अंदर सारे कलर्स में हम लोग डूब गए। और पहले मीठी शांति थी, बस यहीं से शुरुआत होती है, ये जो पानी इकट्ठा हो रहा ना ग्राउंड में, और गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसको थोड़ा सा उकसा दिया, मैं थोड़ा सा जंप अप करके उसको दिखाने लगी। और ये जो बच्चे डाइव कर करके खेल रहे हैं, इनको देख करके ही मीठी जो है इनकरेज हुई है। तो यहाँ जो ये पाइप से पानी डाल डाल कर सब खेल रहे थे बच्चे, तो पानी इकट्ठा हो गया था ग्राउंड में, तो ये फर्स्ट टाइम तो मैं इसको उठा कर ले आई, ये मीठी गिली हो चुकी है क्योंकि वो बहुत खेल रही थी, तो मैं इसे पकड़ के ले आई कि चलो कुछ खा लो, लेकिन ये रो रही थी, खाई नहीं है, फिर वापस आ गई है। और मैं थोड़ी देर के लिए इससे अलग हटी थी, और ये देखिए क्या नज़ारा है, सारे वहाँ जितने भी बच्चे थे, बड़े बच्चे यानी ये सब वहाँ टैकवंडो के बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, तो वो लोग सब होली खेल रहे हैं, और मीठी को देख करके आ गया, सब उसके साथ में खेल रहे थे। पहले तो ये मीठी अभी शांत है, अभी ऑब्जर्व कर रही है कि हो क्या रहा है, थोड़ी देर बाद ये भी उस इन्हीं लोग के पार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा होली का नज़ारा है, पहले तो अबीर से स्टार्ट हुआ, फिर कलर से स्टार्ट हुआ, और फाइनली हम लोग पहुंच गए कीचड़ वाली होली पे। अरे ये जो है यहाँ टीचर है, तो जय के फ्रेंड भी हैं, तो ये भी आकर मीठी के साथ में पूरा डांस वांस कर रहे थे। बट स्टार्टिंग में तो मीठी बिल्कुल कॉन्शियस सी खड़ी है बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए सारे चेहरे नए थे। और यहाँ देखिए मीठी का रूप, और मैं तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, रीज़न ये था कि जो हम मैं भी गीली थी, तो फ़ोन बार बार मैं ले नहीं पाई, फ़ोन में रख करके आ जा रही थी, फिर मैं जा रही थी फ़ोन लेने, जब मीठी की बदमाशी स्टार्ट हो रही थी तो मैं लेकर आ रही थी, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी इसे। तो ये पूरा सर से लेके पैर तक, और जब बाद में मैंने इसके कपड़े बदले थे ना, मैं सही बता रही हूँ, इसके डाइपर से कितने कीचड़ और कितना घास घास निकला है, इसके कान से निकला है, मतलब क्या बताऊँ। ये देखो आप इस तरह से छप छप कर रही है, और इसके आंखों में जाए पानी, इसके कान में जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस ये वो पॉइंट था जहां मैंने मिठी को जबरदस्ती पकड़ करके यहाँ से निकाली हूँ, और जय को बोला है कि अब हेल्प करो थोड़ा सा, कि इसे नहला करके इसके कपड़े बदलू मैं, क्योंकि वो जो बच्चे ने डाइव किया था ना, उसके वजह से इसके आंख में पानी चला गया था, कीचड़ वाला पानी, तो इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ये तो खेल ही रही थी, लेकिन मैं देख रही थी इसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसे फिर पकड़ कर ले आई हूँ। मैंने कहा कि अब नहीं जाने दूंगी, और ये उसी पाइप के पानी से मैंने नहला दिया मीठी को, क्योंकि मैं हम लोग को जाने में फिर भी जाते जाते 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता, तब तक मैं इसको गीला नहीं रख सकती थी। तो मैं इसके कपड़े लेकर के भी आई थी, मुझे पता था सच में, मैं इसके 2 एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आई थी। तो इतना कौन होली खेला मैंने, हाँ फिर भी तुम तो क्लीन लग रही हो मीठी, मम्मा रेड रेड हो गई, कीचड़ में डूब डूब के नहाई हो ना, डूब डूब के कीचड़ में डाइव मार मार के नहाई हो। देखो मीठी कैसी लग रही है, देखे फ्रेश फ्रेश, अब नहीं खेलना है, फ्रेश बच्चा फिश। मेरे चेहरे पे ज्यादा कलर है, आपके चेहरे पे नहीं है, मेरे नहाने में 2 घंटे लगे हैं। क्लीन हो, मतलब देखो जो है ना वो 2 दिन के बाद ही जाएगा, वो कलर है तो निकालेंगे जाने से पहले, अगर ऑयल लगा लिए होते ना। आई एम वैक्सीनेटेड, आप अपना सोचो, डेल्टा आ रहा है कि डाटा आ रहा है कि कौन सी आ रहा है, छोड़ दो, चलो शूज खोले बिना अंदर नहीं जाएगी वो। खोलो खोलो, ट्रेनिंग अभी शुरू हो रही है, वाह वाह, नाउ यू कैन गो, यस। कितना भी बाहर ये जाए घूमने के लिए लड़े, लेकिन जब बाहर से आती है तो घर पे ही खुश होती है वो। टाइम के बाद हमको भी घर चाहिए। नहा कर आ गई हूँ, इतना कलर, मतलब मैं 5 से 6 टाइम फेस वॉश लगाया है, बट फिर भी एक रेडनेस, वो भी मैं बता रही हूँ फोन पे कम दिख रहा है,
पूरा चेहरा ही लाल हुआ पड़ा है, कलर निकल ही नहीं रहा जा रही है। ये मेरा पर्ल जो है ना वाइट कलर का था जो पिंक हो गया है। और अभी ना मैं नहा रही थी, अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, और मिठी 2-3 बार आई है, नॉक की है, रो रही थी। मैंने बोला मिठी बस 2 मिनट, बस 2 मिनट आ रही हूँ। और मैं जब बाहर निकली हूँ, और मेरे नहाने जाने से पहले ही जय पूरी गहरी नींद में सो चुके थे। इसने क्या किया है कि यहाँ थोड़ा सा जगह बनाकर एडजस्ट होकर और बीच में घुस के, क्योंकि इसको आदत है ना बिल्कुल टच होके सोने की, मैं नहीं मिली हूँ तो पापा के साथ ही अपने उसमें घुस के सो गई है। अब मैं जा रही हूँ इसको लेकर के दूसरे रूम में आराम से सोऊंगी, क्योंकि अभी ये गहरी नींद में है जाए तो, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बन रहा है, ये ब्लैंकेट वगैरह पड़ा हुआ है। मैं मिट्टी को लेकर जा रही हूँ दूसरे रूम में, 1 घंटे में भी सोऊंगी। लास्ट होली में हम लोग दिन में साथ में होली खेले थे, फिर शाम को दीदी के घर ही राज दीदी के घर मस्ती कर रहे थे। सेम सेम चीज़ फिर से हो रहा है। मिठी गाड़ी गाड़ी वो हमारा गाड़ी नहीं है, कम नीचे देखो। शाम को मैंने पहन लिया ये वाइट कलर का कुर्ता और नीचे पहना है जीन्स। मिठी ने भी पैंट उसने सेम पहना हुआ है जो दिन में पहना था, और टी शर्ट डाल दिया है वाइट। कम कम मिठी कम, चलो आगे आगे जाओ, गो गो पापा के पास जाओ, गो। चश्मा तो बाप रे, चश्मा के पीछे इसको एग्जैक्ट अपने पापा वाला सारा शौक है। इसको जूते पसंद है, इसको चश्मा पसंद है। ठीक, बड़ा हो गया तुम जूते चश्मा ही लेना। ये कौन है? मीठी। जब सब थक करके सोने जाते हैं ना तब मीठी एक्टिव हो जाती है। अभी अभी घर में खेलेगी 1 घंटा। एक कोई धुन वो वाला जो बहुत पॉपुलर है, एक दीवाना था वो वाला। खाली फोकस बाजी है, कर क्या रहे हो आप? चलो चलो लेट हो रहा है, चलो सब सोएंगे, चलो भागो। बाय दानू, कल आना ठीक है? बाय बाय बाय, हैप्पी होली फिर से सबको, बाय बाय, कल भी होली करेंगे। बाय मिठी, बाय बाय। हाँ हम लोग बंगाल गए हैं तो कल दोबारा खेलेंगे। बाय मिठी, अभी रोना शुरू करेंगे। बाय बाय, चप्पल पहनो, ऊपर जाओ और चलना है, नहीं घर चलना है। आई ये क्या था? उसका रिकॉर्ड कर रही हूँ, आओ आवाज हो वो। चश्मा खोल दो मिठी। आप बताओ ये कौन सा कैरेक्टर है? इधर इधर इधर, आपसे पूछ रही हूँ कौन सा कैरेक्टर है, कोई नहीं बताएगा। जल्दी जी जी, ग्रास ऑफर बस पता है ना, बेबी ग्रूट। ग्रूट आई एम ग्रूट, वो खुद ही पहन लेगी। उधर देख रही है, देख रही है। चलो वो देखिए सर, अब तो सारा लाइट वाइट कलर में दिख रहा होगा ना इसको। ठीक, बाय, हैप्पी होली, बाय बाय होली, बाय 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 बाय। रिंकी दानी दानी का दानी बोल रही हूँ, दानी का आना।